हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी इसके लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। तो यहाँ पे जो यान यान की फ्रेंड होती है, यहाँ पे शेन उसको जो कि वो रख लेती है, यहाँ पे कहती है क्या हुआ तुम्हारा ध्यान कहाँ। अब बेचारी यान यान तो काफ़ी डरी हुई है, यहाँ पे मुँह का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा होता है फ्रेंड। अब क्या करे, उसे रिसीव करना पड़ता है और कहता है अभी से वक्त जहाँ कहीं भी हो वापस आओ, आज का डिनर मेरे साथ होगा। कहती है ठीक है। अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ यान यान, सब ठीक तो है। कहती है मुझे जाना होगा, मैं बाद में आती हूँ। यहाँ पे कहती है ठीक है, पर अच्छे से जाना, ठीक है ना। कहती है हाँ। यहाँ पे यान यान पहुँचती है मुँह के पास जहाँ डिनर होता है उसके लिए। यहाँ पे मुँह ने क्या होता है, अब यहाँ पे कहती है कि क्या हुआ तुमने मुझे अर्जेंट बुलाया। तो यहाँ पे शेन का फ़ोटो देता और कहता है ये लड़का कौन है। यहाँ पे बोलती है ये देख के काफ़ी डर जाती है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया। सच में फ्रेंड मुँह को तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। यहाँ पे कहती है ये बस जस्ट मेरा एक स्कूल फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। कहता अच्छा ये स्कूल फ्रेंड है, तो तुम्हारे इसके साथ चक्कर क्या चल रहा था, वो तुम्हें लेटर क्यों दे रहा। यहाँ पे कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं अब एडल्ट हो चुकी हूँ और मुझे अपना राइट करने का पूरा हक है, इतना कहना था। मुँह कहता क्या एडल्ट हो चुकी हो, मैंने तुम्हें एडल्ट इसलिए किया है कि जहाँ तहाँ किसी और के साथ तुम्हारा अफेयर चले। यहाँ पे कहती है पर आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप क्यों चाहते हो कि मेरे आसपास कोई लड़का नहीं घूमे, सिर्फ आप ही मेरे पास रहो, पर मुझे आप पसंद नहीं हो। यहाँ पे मुँह गुस्सा करता है, कहता मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, पर तुम्हें मुझे ही पसंद करना है क्योंकि मैं शेन का वॉट लगा दूंगा अगर दोबारा से ये तुम्हारे पास गया। यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहिए बस तुमसे छुटकारा। यान यान काफ़ी गुस्से में बोलने लगती है, तो मुँह कहता अच्छा मुझसे छुटकारा चाहिए। यहाँ पे कहती है हाँ मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं सब कर दूँगी, मैं काम करके दूँगी। कहता मुझे सिर्फ एक बेबी चाहिए तुमसे। ये सुन के तो यान यान काफ़ी डर जाती है कि बेबी बेबी उसे देना होगा और हमेशा के लिए बोलता है मुँह तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे यान यान बेचारी डर जाती है, वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि फ्रेंड यहाँ तो कुछ और ही हो गया था बात। जैसे वो उसे टच करती है यहाँ पे कहता है दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, बिल्कुल भी करीब मत आना तुम, समझी। अगर तुम मुझे बेबी नहीं दे सकती हो तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें यहाँ तक आज खड़ा किया है। इतना कह के बेचारी यान यान सो जाती है बाहरी, जहाँ मुँह केयर तो करता है फ्रेंड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको कहता है कि कहाँ है वो, लेकिन वहाँ की नैनी कहती है कि यान यान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे कोल्ड हो गया है, उसे काफ़ी फीवर है, अगर ज़्यादा देर हुआ तो वो कोमा में भी जा सकती है, प्लीज़ कुछ करिए प्रेसिडेंट मुँह। अब यहाँ पे जो कि यान यान तो बाहर सोई हुई थी उसे याद है और उसने ही ब्लैंकेट ओढ़ाया था उस लड़के का फ़ोटो को लेकर फेंक, क्योंकि यान यान जो है शेन को लाइक करती थी। यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि वो मदद करे, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है। वो डॉक्टर के पास एडमिट करता है, यहाँ पे कहता है थैंक गॉड कि आपने इसे वो टाइम पर ले आया, अगर नहीं लाते तो ये कोमा में भी जा सकती थी क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, आपको इनका बहुत ज़्यादा केयर करना होगा। अब यहाँ पे मुँह कहता है ठीक है, इधर मुँह बोलता है यान यान के बालों को सहलाते हुए कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। इतना कहता है उसके कान में आवाज़ जाती है फ्रेंड, उसकी आंखें खुलती है और काफ़ी वो डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई। यहाँ पे डॉक्टर कहता काम डाउन, सब ठीक है। यहाँ पे मुँह बताता है कि तुम्हें कोल्ड हो गया था जिस वजह से तुम्हें मैंने हॉस्पिटलाइज एडमिट किया। अब यहाँ पे यान यान चुप हो जाती है, यहाँ पे कहती है कि मुझे तुम्हें पैसे देना है क्योंकि मुझे तुमसे अब छुटकारा चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, जो कि वो कल रात से एक ही चीज़ बोल रही थी। थैंक यू कि तुमने मुझे यहाँ लाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पे वो उस पर गुस्सा करता है और वहाँ पे बेड पे उसे पटक देता है और कहता है क्या चाहती हो तुम, बोलो मैं तुम्हें क्या करूं। अब यहाँ पे वो कहती है हटो यहाँ से, यहाँ पे कहता नहीं मैं नहीं हटूँगा, तुम मुझे कॉपरेट नहीं कर रही हो यान यान, अगर तुम कॉपरेट नहीं कर सकती हो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूँगा। वहाँ पे कहता है डॉक्टर का भी इस लड़की को डिस्चार्ज करो, मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ।
क्योंकि कहीं डर था मुँह को यान यान वहाँ से कहीं चली ना जाए। यहाँ 20 बर्थडे होता है यान यान का, जहाँ उसके लिए वो सरप्राइज़ प्लान करता है और उसे देता है फ्रेंड। यहाँ पे तो वो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए वो डायमंड का उसका इयर रिंग देता है और कहता है ये देखो ये तुम पे कितना खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही बना है। यहाँ पे वो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देखती है जो कि उसे पसंद नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती जो मुँह होता है यान यान को पहनाने की कोशिश करते हैं। यान यान बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इयर रिंग पहने, लेकिन वो ज़बरदस्ती पहनाता है। कहता है वाह इसमें मेरा लव है पूरा और एकदम से अच्छा लग रहा है। यहाँ पे उसको कुछ एग्रीमेंट देता है फ्रे, जो एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें लिखी भी होती है उस पर उसका चाहता है कि साइन हो, लेकिन यहाँ पे यान यान बोलती है मैं साइन क्यों करूँगी। साइन में ये था कि उसकी वो वाइफ बन के रहे, लेकिन यहाँ पे वो तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती है। यहाँ पे तो वो चाहती थी शेन को पसंद करती थी। यहाँ पे कहती है इसमें रूल रेगुलेशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो, मुँह की फियांसे। लेकिन वो बोलती है पर मैं ये सब कैसे करूँगी, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो। कहता है ठीक है अगर तुम ये नहीं करोगी तो एक काम करते हैं फंटेसी वाला, मैं शेन को ही हटा देता हूँ। इधर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आती है स्कूल, जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है तुम बहुत ज़्यादा वरीड दिख रही हो, क्या बात है सब ठीक तो है। यहाँ पे कहती है हाँ सब ठीक है। कहती है कुछ बात है तो तुम उसे शेयर कर सकती हो, लेकिन यान यान कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे शेन जो है लेटर देता है उसकी फ्रेंड को, जो यान तक पहुँचता और कहता है आई कान कंपनी यू थ्रो कॉलेज, अब मैं कॉलेज जो है नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा और आऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था स्कूल कॉलेज को छोड़ कर। यहाँ पे यान यान को लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ है, नहीं तो शेन को एटलीस्ट वो देख तो लेती थी, अब तो वो देख भी नहीं पाएगी। यहाँ पे कहती है उसकी फ्रेंड क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। कहती नहीं, क्योंकि उसको उसकी बात याद आ जाती है फ्रेंड यान यान को मुँह की, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती है। इधर ड्रिंक कर रहा होता है तभी यहाँ पे वो लेके आती है एग्रीमेंट, जहाँ उसको लगता है शेन को लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उसकी फियांसे बन के रहना होगा। तो यहाँ पे कहती है मैंने इस प्रोटोकॉल को देख के मैंने साइन कर दिया है। जहाँ वो काफ़ी ड्रंक होता है कहता है जब मैंने कहा था तब कहाँ थी तुम। कहती है उस वक्त शायद मुझे अच्छा नहीं लगा, बट आई होप कि इस बार तुम एम्बैरेस फील नहीं करोगे मेरी वजह से। यहाँ पे फ्रेंड यान यान को पकड़ के पुश कर देता है बेड पे मुँह, और यहाँ पे कहती है हटो यहाँ से, आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, आप नशे के हाल में हो, हटो यहाँ से। वो उसे फोर्सफुली हटाती है। यहाँ पे कहता क्या वो तुम्हारे फ्रेंड को कहाँ चला गया, यहाँ से चला गया तुम्हारा फ्रेंड, जो कि पहले ही से मुँह को ये सब चीज़ पता था। ये सब तो मुँह का ही किया धरा था, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था यान यान किसी और को पसंद करे उसके अलावा, भले ही वो फोर्सफुली क्यों ना हो फ्रेंड। यहाँ पे वो उसे हटाती है, कहती है मुँह मैंने साइन कर दिया है और फिलहाल तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक में हो, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये लो तुम एग्रीमेंट तुम्हारा। वो उसको दे देती है। आगे क्या होगा फ्रेंड ये तो जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।